अखिलेश यादव बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं अखिलेश। बीजेपी के नेताओं से लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश के सामने कुछ शर्तें रखती है। पेंच इन्हीं शर्तों पर फंसा है। सुनकर आप चौंक गए होंगे, हम भी चौंक गए थे, लेकिन ये दावा हमारा नहीं है, ये दावा बीजेपी के बड़े नेता ने किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि अखिलेश के सामने क्या शर्तें रखी है। सुनकर हमें भी यकीन नहीं हुआ, आपको भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए। वो समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त हो रहा है, उनका जहाज डूब रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले। लेकिन मैंने कहा है कि उस सदस्यता लेने के लिए आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन शर्त एक रहेगी, कोई गुंडा, कोई अपराधी, कोई माफिया, कोई दंगाई, कोई भ्रष्टाचारी नहीं लिया जाएगा। अगर वो भाजपा की सदस्यता लेने की तैयारी कर रहे हों, इतने बौखला गए हों, हार की हताशा के गर्त में इतने डूब गए हों, वैसे समाजवादी पार्टी का न वर्तमान है न भविष्य है, वो समाप्तवादी पार्टी है। सुना आपने, ये केशव प्रसाद मौर्य हैं, बीजेपी के बड़े नेता, यूपी के डिप्टी सीएम, शाह के बेहद करीबी और योगी के कथित विरोधी। इन बातों को यूपी में बहुत सीरियसली लिया जाता है, तो अगर मौर्य साहब ये कह रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि बात यही होगी। अब क्या वाकई अखिलेश बीजेपी में आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं, इसका जवाब उनको देना चाहिए। वैसे अभी अखिलेश यूपी उपचुनाव में व्यस्त है, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसी दौर में ये बयानबाजी जारी है। अखिलेश योगी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन केशव अखिलेश को ही घेर ले रहे हैं। हालांकि अखिलेश ही नहीं, योगी भी उनके निशाने पर हैं। मझुआ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जो कहा उसे ये फिर साबित कर दिया कि योगी और केशव के बीच की दूरियां अभी कम नहीं हुई है। उन्होंने योगी के कटने और बटने वाले नारे पर ही सवाल उठा दिया। संदर्भ में दिए गए भाषण के क्रम में कोई ऐसी लाइनें निकलती हैं तो उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। इसकी चिंता अगर किसी को श्री राहुल गांधी को, श्री अखिलेश यादव जी को हो, या ओवैसी को हो, या ऐसे जो नेता हैं उनको, लेकिन इस विषय को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और कोई ऐसा नारा नहीं है, हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक हैं तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास, भारत का विकास, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, संगठित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। ये पट्टोगे तो कटोगे से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए इसमें सहमति और असहमति का विषय तब आता है कि कोई सवाल के जवाब में आप उस लाइन को ना जोड़िए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश के एक एक कार्यकर्ता के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह नारा दिए सबका साथ सबका विकास का, पूरे देश के हर कार्यकर्ता ने उसको लिया। उन्होंने नारा दिया एक है तो सेफ है, हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर भाषण में एक है तो सेफ है ये बोलते हैं, लेकिन आप वह लाइन ले रहे हैं जो अखिलेश यादव जी को अच्छी लगेगी तो वो ठीक नहीं। अखिलेश यादव जी की साइकिल पंचर हो चुकी है, सपा का सूर्य अस्त हो गया है, उनकी नाव में बहुत बड़ा छेद है, वो डूबने जा रही है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। इसी को बताया एक है तो सेफ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दे दिया अंतिम लाइन वही है। तो सुना आपने, केशव ने अपना नेता पीएम मोदी को बता दिया है और इस बयान के साथ ये भी बता दिया है कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इसी दूरी का फायदा अखिलेश उठा ले जाए और बीजेपी फिर लोकसभा की तरह हाथ मलते रह जाए। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं।